बढ़ते आगे अपोजिशन की अलायंस इंडिया की मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। मीटिंग में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपोजिशन के पीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की तजवीज रखी। इसराइल के हवाले से खबर मिल रही है कि इस तजवीज की हिमायत दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल ने भी की है। ममता बनर्जी की तजवीज पर खड़गे ने कहा है कि हमें चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर समझौता नहीं बन सकता तो इंडिया इत्तेहाद के लोग फैसला करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर अगर कहीं पेच फंसता है, पहले जो रियासती लेवल है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, समझौता एक दूसरे को करना पड़ेगा। ये बात भी वासी कर दी गई मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर फिर भी यहाँ पर राय नहीं बनती है ऐसे में फिर इंडिया अलायंस के जरिए ही फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पीएम के लिए, पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की तजवीज रखी। हालांकि यहां इसकी हिमायत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी की है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पहले हमें चुनाव के ऊपर फोकस करना चाहिए, इलेक्शन जीतने के ऊपर फोकस करना चाहिए, मिलकर काम करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। 51 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमिटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा और लोगों के हित में सब मिल के किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे कुछ चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला, ये तो हमारी इंटरनल बात है उसमें कोई। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है, तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत ये इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं, तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस, पीएम फेस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे।
इंडिया इत्तेहाद की बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या रहा मीटिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई सुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं है सर? आप साइड पर साइड ममता जी ने जानकारी आ रही है, ममता जी ने आपसे यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको बताए तो आप ही जवाब देंगे। मेन थिंग इज दैट सीट शेयरिंग डिस्कशन हैज टू बी स्टार्टेड विदाउट एनी डिले, दैट प्रोसीजर विल स्टार्ट इमीडिएटली।